यो व्हाट्सअप गाइस, इट्स मी हर्ष एंड वेलकम टू माइनक्राफ्ट फॉर गाइस। आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपको अपनी जो बूट्स है उसमें कौन से इंचमेंट्स लगानी चाहिए और कौन से इंचमेंट्स बेस्ट रहेगी आपके बूट्स के लिए। और हाँ, डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आपको करना क्या है, आपको जाना है मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही है। और वहाँ पर मैंने एक रूम बनाया हुआ है जिसका नाम है टॉपिक सजेशन। उस टॉपिक सजेशन वाले रूम में आप लोग अपना जो प्रॉब्लम है या फिर अपनी जो टॉपिक है वहाँ पर लिख सकते हो, और फिर उसके बाद मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूँगा। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मैं भूल जाता हूँ, या फिर डिस्कॉर्ड पे बोलते हो ऐसे ही मैसेज करके तो मैं भूल जाता हूँ। तो इसीलिए मैंने एक नया रूम बना दिया जहाँ पर मैं आराम से देख सकता हूँ कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है। या फिर देखो, मेरे पास कंटेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसा तो सोचना है मत कि यार देखो कंटेंट की कमी हो रही है, क्योंकि कंटेंट की कमी तो है नहीं मेरे पास। आप लोग बोलते हो कि वीडियोज़ बनाने का इसलिए मैं बना रहा हूँ, बाकी यार मेरे पास कंटेंट की कमी तो है नहीं। और भाई साहब, मुझे धमकियां पड़ रही है बूट्स के इंचमेंट्स वाली वीडियो बनाने के लिए। कुछ बंदे बोल रहे हैं कि अनसब्सक्राइब कर दूंगा अगर वीडियो नहीं बनाई तो भाई यार आप लोगों के लिए वीडियो आ चुकी है, तो अनसब्सक्राइब बिल्कुल भी मत करना, वरना फिर मैं रिपोर्ट करूँगा भाई, रिपोर्ट करूँगा मैं आपकी कॉमेंट को। लोल मजाक कर रहा हूँ। और तो सबसे पहले आप लोगों को एनविल चाहिए होगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। मतलब आप लोग कहीं से भी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इंचमेंट्स कौन सी बेस्ट है, क्योंकि काफ़ी टाइम पास कर चुका मैं, इतना टाइम पास अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। तो अगर मैं आपको बताऊं तो जो सबसे पहली इंचमेंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए प्रोटेक्शन फोर। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी आर्मर के जितने भी चीज़ें लाइक लेगिंग्स, चेस्ट, ढिमकाना फलाना, सब में प्रोटेक्शन का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। और काफ़ी मेन इंचमेंट है अपने शूज़ के लिए या फिर किसी भी आर्मर के लिए, क्योंकि देखो अगर आप लोग अपने जो शूज़ है उसमें और कोई सी इंचमेंट लगाते हो, अगर मैं आपको बताऊं तो मान लो आपने अपने शूज़ पर फायर प्रोटेक्शन लगाई है ना, तो अगर आपने फायर प्रोटेक्शन अपने बूट्स में लगा लिया और ये 20 पॉइंट डैमेज रिड्यूस कर रहा है लावा में गिरने से, तो सिर्फ उसी से 20 करेगा ना ये, बाकी जो चीज़ें हैं मतलब बाकी जो जितनी भी चीज़ें ब्लास्ट हो गई या फिर कोई मोब आप पे अटैक कर रहा है या फिर कोई भी चीज़ आप पे अटैक कर रही है, तो यार वो तो जो अपना नॉर्मल जो बनाया था तब जितना था मतलब 10 था तो 10 ही करेगी ना, 10 पॉइंट ही डैमेज को रिड्यूस करेगी। और मान लो आपने उसकी जगह अगर प्रोटेक्शन लगा लिया जो कि आपको सब चीज़ों से सेव करता है, तो ये 17 पॉइंट करने वाला है। ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वही मतलब एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बता रहा, वो खुद को नहीं पता मुझे, तो मैं आपको क्या ही बताऊँगा। तो दूसरी इंचमेंट आप अपने जो बूट्स में लगा सकते हो वो है फेदर फॉलिंग फोर। तो पहले दोनों इंचमेंट्स अपने जो बूट्स है उसमें लगा लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्या कहते हैं इसे, जो भी कहते हैं एनविल, और एनविल में मैंने प्रोटेक्शन लगा लिया है। प्रोटेक्शन लगाने के बाद उसी के साथ साथ मतलब पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, बाद क्या होता है भाई ये। अच्छा, तो इसके बाद जब हमने फेदर फॉलिंग अपने जो बूट्स है उसमें लगा लिया है, तो मान लो आप कहीं ऊंची चीज़ से गिर रहे हो तो आप मर जा रहे हो, लेकिन अगर आप लोग प्रोटेक्शन जो फेदर फॉलिंग है उसको लगाने के बाद जो गिरोगे तो यार मक्खन आपके दो तीन हार्ट ही कम होने वाले हैं। मतलब कि ये इतना रिड्यूस कर देता है, मतलब जो फॉल डैमेज है उसको मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देता है, ठीक है, कुछ नहीं कह सकता मैं भाई, बहुत ख़तरनाक तरीके से रिड्यूस करता है ये। तो यही मतलब यूज़ है फेदर फॉलिंग का। और जो नेक्स्ट इंचमेंट है वो है थ्रोन्स, ठीक है, थ्रोन्स जो भी कहते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे सही से नहीं आती, सीखना पड़ेगा क्योंकि अब स्कूल नहीं लग रहा तो यार प्रोनाउंसिएशन तो मैं ठीक कर नहीं सकता। तो जो नेक्स्ट इंचमेंट है जो कि आप अपने बूट्स में लगा सकते हो वो है थ्रोन्स, है ना, यही कहते हैं ना इसे। तो पहले मैं लगा देता हूँ फिर इसका यूज़ बताता हूँ आपको। अच्छा, तो जब आप इसे अपने बूट्स में लगा लोगे तो होगा क्या, मान लो आपने इसे पहन रखा है, ठीक है, मैं पहन लेता हूँ इसे, आपने इसे पहन लिया, अरे पहन ले भाई क्या प्रॉब्लम है, नए जूते हैं ना पहन ले। अच्छा हाँ, तो जब आप इसे पहन लोगे और आप पे कोई मॉब फिजिकली अटैक कर रहा है, एग्जांपल के लिए ज़ॉम्बी, ठीक है, वो आप पे फिजिकली अटैक कर रहा है या फिर आपके बूट से टच हो रहा है, किसी भी तरीके से आपके जो बूट से उससे टच हो रहा है, तो होगा क्या कि उसको भी डैमेज मिलेगा। थोन्स का मतलब होता है कांटे, इसका मतलब ये है कि आपके जो आर्मर है उसमें लग जाएंगे कांटे। तो मैंने आपको बता दिया अच्छे से आसान भाषा में, वही चीज़ मैं करने वाला हूँ यार, क्योंकि देखो पहले कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताता था जो किसी को समझ नहीं आता था, लेकिन अब मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ, मैं समझ गया हूँ, ठीक है, ओके। तो जो नेक्स्ट इंचमेंट है जो कि आप अपने बूट्स में लगा सकते हो, मेरे बूट्स कहाँ हैं भाई, मैं डर गया, मैंने कहा भाई वो फेंक तो नहीं दिया मैंने। हाँ, तो जो नेक्स्ट इंचमेंट है जो कि आप अपने बूट्स में लगा सकते हो वो है डेप्थ स्ट्राइडर 3, है ना, 3 है ना, 3, हाँ। तो इसकी मैक्सिमम लेवल 3 तक होती है, और आपको क्या करना है, मतलब पहले हम लगा देते हैं इसमें डेप्थ स्ट्राइडर को, तो डेप्थ स्ट्राइडर भाई इधर आ, ठीक है,
हाँ तो डेप्थ स्ट्राइडर कहाँ गई हमारी, ये रही। तो जब मैंने डेप्थ स्ट्राइडर अपने बूट्स में लगा लिया है तो मैं आपको जाता हूँ, ठीक है, पानी में जाके दिखाता हूँ उसका यूज़। तो पहले मुझे सर्वाइवल में जाना पड़ेगा क्योंकि क्योंकि मुझे रीज़न नहीं पता, ठीक है। रीज़न मैं पूछूँ मुझसे आप लोग। अच्छा मैं पहन लेता हूँ। तो जब मैंने इसमें डेप्थ स्ट्राइडर लगा लिया है तो आप लोग देखो कि मैं पानी में कितना जल्दी जा पा रहा हूँ। अगर मैं इसे निकाल लूँगा तो देखना अभी मैं कितना धीरे जाऊँगा। अभी मैं मेरी स्पीड देख पा रहे हो आप पानी में। अब मैं इसे निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ये कितना धीरे जा रहा है, ठीक है, धीरे जा रहा है, आप कर पा रहे हो मतलब, ठीक है। अब लगा देता है भाई, देख लो कि इसकी स्पीड 3 गुना तो नहीं बढ़ी, 3 गुना तो नहीं बढ़ी, मैं कह सकता हूँ 3 गुना नहीं बढ़ी है, मुझे अलग से पता चलता है, लेकिन बढ़ चुकी है। तो इससे होगा क्या कि जब आप इसे अपने उसमें लगा लोगे तो पानी में जो तैरने की स्पीड है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, पानी में तैरने की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। अब जब आप डेप्थ स्ट्राइडर अपने बूट्स में लगा लो, जब आप अपने पानी में तैरने की स्पीड बढ़ा लो, तब आना मेरे पास और मैं आपको बताऊंगा दूसरी इंस्ट्रूमेंट का मतलब। तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो है अनब्रेकिंग 3। अब अनब्रेकिंग 3 तो मैं लगा नहीं सकता क्योंकि भैया मैं तो हूँ सर्वाइवर मोड में और मेरे पास XP तो बिल्कुल भी नहीं है, तो हमें क्रिएटिव में जाना पड़ेगा और क्रिएटिव में जाने के बाद हमें लगाना पड़ेगा अनब्रेकिंग 3। अब इससे क्या होगा ना, मान लो आप इसे अपने बूट्स में लगा लेते हो, ठीक है, अब अपने से अपने बूट्स में लगा लिया। अब होगा क्या कि जब आप इसे अपने बूट्स में लगा लोगे तो आप लोगों ने देखा होगा किसी भी टूल की एबिलिटी होती है रेड ग्रीन कलर की, ठीक है, तो वो ग्रीन कलर की होती है, जैसे जैसे आप यूज़ करते आते हो वो रेड पड़ जाती है और फिर वो ख़त्म हो जाता है, वैनिश हो जाता है। तो होगा क्या कि जो उसकी एबिलिटी है वो 3 टाइम्स बढ़ जाएगी, मतलब कोई टूल अगर कोई एक चीज़ तोड़ने में टूट रहा है तो वो 3 चीज़ तोड़ने में टूटेगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, आपको तो पता होगा कि एक एक बार में कोई चीज़ टूटती नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है भाई, आप लोग इतना वो मत लिया ले लिया करो वरना कमेंट्स करते हो फिर आप लोग कन्फ्यूज़ हो गए। ये एग्जाम्पल था, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, इसकी जो एबिलिटी है वो देर तक चलेगी, इसका मतलब ये है। अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो है सोल स्पीड 3, ठीक है, सोल स्पीड 3। अब मैं आपको बताऊँ कैसे आपको मेज़र करना है, मैं आपको मेज़र करके ये बता देता हूँ, वरना भाई आप लोग बोलोगे कि क्या बोलोगे, कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन हाँ भाई मेरे को सुनना नहीं जो भी बोलोगे, कुछ नेगेटिव चीज़ मत बोलना भाई। तो अब आप लोग देख पा रहे होगे कि मैं कितना धीरे चल रहा हूँ और भाग रहा हूँ तो भी कितना धीरे चल रहा हूँ। और अगर अब मैं इसे सोल स्पीड 3 लगाने के बाद इसे पहन लेता हूँ, ठीक है, तो ये देख लो मैं स्पीड नहीं दे रहा हूँ जब भी इतना तेज़ भाग रहा हूँ। और अगर मैं डबल टैप कर दूँ भाई, अगर मैं इसे डबल टैप कर दूँ तो कितना तेज़ भाग रहा हूँ भाई, इतना तेज़ यहाँ नहीं भाग रहा, ये इतना तेज़ यहाँ भाग रहा है सिर्फ, भाई साहब देख रहे हो, लोल। अच्छा इसमें एनिमेशन भी ऐड करी है इसने भाई, एनिमेशन भी ऐड किए माइनक्राफ्ट ने शायद, देखो भाई मुझे तो अब पता चल रहा है, लोल। अच्छा तो यही यूज़ था जो हमारी सोल स्पीड 3 है उसका। वो जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो है फ्रॉस्ट वॉकर, लेकिन वो अभी मैं आपको बताता हूँ बाद में, पहले मेंडिंग का मतलब बता दूँ। तो हमारी मेंडिंग कहाँ गई, अच्छा पहले बूट्स तो मैं निकाल लूँ वरना भाई मैंने पहन रखे हैं, इतने अच्छे पसंद आ गए इस प्लेयर को, है एलेक्स तेरे को ज़्यादा पसंद आ गए बूट्स, भाई रख लेना तो तेरे घर लेके जा रहा है, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है मेंडिंग। अब मेंडिंग तो यार काफ़ी वो इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कॉमन इंस्ट्रूमेंट है ऐसा, इसलिए देखो अगर आप लोग अपने जो बूट्स है उसमें मेंडिंग लगा लोगे तो होगा क्या कि जैसे ही आप अपने बूट्स में मेंडिंग लगाओगे तो मान लो आपको किसी भी तरीके से XP मिल रही है, ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया था ना एबिलिटी का, तो अगर आपके जो टूल है उसकी एबिलिटी कम है या आर्मर की एबिलिटी कम है, और अगर आप लोगों ने अपने इसे पहन रखा, ठीक है, मैंने पहन लिया इसकी एबिलिटी कम है, और अगर मुझे किसी भी तरीके से अगर XP मिल रही है, ठीक है, XP मुझे मिल रही है जब मैंने इसे पहन रखा है, तो ये अपने आप रिपेयर होने वाला है। यही यूज़ है मेंडिंग का और इसी से मतलब ये मेंडिंग की खासियत है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। और जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है और जो लास्ट इंस्ट्रूमेंट है और जो कि लीस्ट इंचेनमेंट है, ठीक है, लीस्ट इंचेनमेंट है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, लास्ट एंड द लीस्ट, वो है फ्रोस्ट वोकर, जिसका माइनक्राफ्ट में कोई यूज़ नहीं है। वैसे है यूज़ अगर मैं दूसरे उसमें करूँ तो, लाइक मैं आपको अगर दिखाऊँ तो इसका यूज़ ये है, मैं इसे पहन लेता हूँ, मैंने अपने दूसरे उसमें लगा लिया, ठीक है भाई लगा ले क्या प्रॉब्लम है। और अब मैं इसे कर लूँ तो जब फ्रोस्ट वोकर को मैं अपने बूट्स में लगा लूँगा, ठीक है, और मैं इसे चलूँगा पानी में, तो ये बर्फ़ क्रिएट होगा, देख रहे हो ये बर्फ़ जो बर्फ़ है ये क्रिएट होने वाला है। और इससे क्या होता है कि आपका जो बर्फ़ क्रिएट होगा और जो वो होता है ना क्या कहते हैं उसे और जो मैग्मा ब्लॉक्स होते हैं और ये होता है, उस पर आपको डैमेज भी नहीं मिलेगा।
तो ये यूज़ है इसका। और हाँ, तो जब आप अपने जो बूट से उसमें अगर डेप्थ स्ट्राइडर लगा लेते हो, तो आप अपने जो बूट से उसमें ये जो फ्रॉस्ट वॉकर है वो नहीं लगा सकते। या तो आप अपने जो बूट से उनमें डेप्थ स्ट्राइडर लगा लो, या तो फ्रॉस्ट वॉकर। मैंने बता दिया कि फ्रॉस्ट वॉकर एकदम लीस्ट इंचेंटमेंट है, तो आप अपने बूट्स में मत लगाना, कोई यूज़ नहीं है इसका। और क्या ही करोगे यार इस इंचेंटमेंट का, आपको मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाई। ओके, तो यार आज के लिए बस इतना ही, मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, मतलब सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी आपको। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें मेहनत भी लगी है, मेरा सर दर्द कर रहा है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई, एक लाइक तो बनता है। अभी तक मैंने मेरे चैनल पर एक भी लाइक का टारगेट नहीं रखा है, ठीक है? तो आप लोग बोलोगे कि इससे हमें क्या करना, तो इससे आप लोगों को कुछ नहीं करना। अच्छा, तो मैं बताता हूँ, आज की वीडियो का टारगेट हम रखते हैं 70 लाइक्स। आई नो कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कर सकते हो। 50 लाइक्स तो आप लोग आराम से कर देते हो बिना कुछ बोले। मैं बोलता भी नहीं हूँ मेरी वीडियोस में, बहुत कम बोलता हूँ, ठीक है, लास्ट में बोलता हूँ, और वहाँ तक इतने लोग नहीं देखते, लेकिन फिर भी आप लोग कर देते हो ना, तो भाई अब आराम से आप लोग कर सकते हो भाई, ठीक है। प्लीज़ गाइस, कर देना लाइक, कमेंट, शेयर, और एक इलाइट्रा का टूट देता हूँ मैं आप लोग को। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि देखो यहाँ पे फटाके बज रहे हैं, और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेट्स स्प्रेड पॉजिटिविटी।